15 अप्रैल शुक्रवार के दिन इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान जो रूट ने इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान के पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से ही इस बात की चर्चा लगातार की जा रही थी कि इंग्लैंड के लिए अगले टेस्ट कप्तान की जिम्मेदारी किस खिलाड़ी को दी जाएगी। लेकिन अब आपको बता दें कि एक अंग्रेजी वेबसाइट की माने तो बेन स्टोक्स ही इंग्लैंड के नए टेस्ट कप्तान होंगे। बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड टेस्ट टीम के उपकप्तान हैं, उन्हें ही अब अगला टेस्ट कप्तान नियुक्त किया जाएगा। बेन स्टोक्स के अलावा भारत को 28 साल बाद विश्व विजेता बनाने वाले कोच गैरी कर्स्टन को भी टीम का नया कोच बनाया गया है। उन्होंने अपनी तरफ से इसके लिए सहमति भी दे दी है। बेन स्टोक्स भी इस वक्त कप्तान की जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और टीम में कुछ बड़े फैसले पर काम करने के लिए उत्साहित नजर आ रही हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन की जोड़ी को वापस टीम में लाना चाहते हैं। हाल ही में वेस्टइंडीज दौरे पर दोनों टीम का हिस्सा नहीं थे और इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अब बेन स्टोक्स इन दोनों को टीम में फिर से देखना चाहते हैं। वहीं अगर बात करें इंग्लैंड के कई पूर्व कप्तानों की, तो वो इस समय बेन स्टोक्स को ही इंग्लैंड का अगला टेस्ट कप्तान बनता देखना चाहते हैं। फिलहाल जो रूट के बाद इंग्लैंड की टेस्ट टीम में बेन स्टोक्स से बड़ा कोई भी नाम नहीं नजर आ रहा है जो इस जिम्मेदारी को संभाल सके। वहीं अगर बात करें इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट की, तो जो रूट ने 5 साल की कप्तानी में 64 मैच खेलते हुए 27 मैच में टीम को जीत दिलाई है। हालांकि 26 टेस्ट मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। जो रूट इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले कप्तान भी हैं। अब देखना होगा कि बेन स्टोक्स की अगुवाई में इंग्लैंड की टीम, जो इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है, क्या फिर से अपने उसी सुनहरे दौर में वापस लौट पाएगी। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।